नमस्कार। अब हम सीखेंगे संभावना में आईएमपी रीत। ज़्यादा रीत नहीं है, 4 मार्क का चैप्टर आता है कुल, लेकिन उसमें छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इस चैप्टर में 4 अंक के सवाल को 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। 3 मार्क का एक सवाल आएगा बड़ा, और 1 मार्क का आएगा एक सवाल। अब इसमें देखिए, पहली टाइप गेंद वाला आएगा, नीला लाल पीला हरा गेंद है, और खामीयुक्त कोई पेन है, खामीयुक्त है या खामी बिना की है, कोई शर्ट पैंट है खामी वाला खामी बिना का, उस प्रकार का सवाल आता है। तीसरा आएगा सिक्का वाला, कि सिक्के को 1 बार उछालो, 2 बार उछालो, 3 बार उछालो। अगर 1 बार उछाला तो 2 की n घात, क्योंकि चित्त और पट 2 होते हैं, तो जितने अवलोकन है उसकी घात n = 1 रखेंगे, तो ht 2 घात होगा, तो 2 बार h 2 बार t 1 बार h 1 बार t। इस तरह से अगर 3 बार उछाला सिक्के को, तो 4 बार h 4 बार t 2 बार h 2 बार t 2 बार h 2 बार t, फिर ht ऐसे करेंगे। ये कुल परिणाम की बात। पासे के अंदर 1 से 6 अंक दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 की घात n। 1 बार हमने पासा उछाला तो 6 की 1 घात = 6। अगर हमने पासा 2 बार उछाला तो 6 की घात 2, यानी कि 36। इस तरह से हम उसको सेट करेंगे, एक 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 दो 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 करके। नंबर 5 है ताश के पत्ते। ताश के पत्ते कुल कितने होते हैं? 52। 52 पत्तों में 2 रंग होते हैं, जिसके अंदर हर एक रंग में 26 पत्ते, लाल और काला। लाल के अंदर एक है पान, लाल पान और ईंट। लाल पान के 13 पत्ते, ईंट के 13 पत्ते। इस तरह काले रंग में हुकुम के 13 पत्ते और चिड़ी के 13 पत्ते। इसमें जो फेस कार्ड है, यानी कि तस्वीर वाले जो पत्ते हैं, वो गुलाम बेगम और बादशाह JQK, वो कुल होते हैं 12। हर एक रंग में 3 3 3 3, हर एक प्रकार के 3 3 पत्ते होते हैं। अब आते हैं हम पेपर में, एक अलग प्रकार का सवाल आता है कि कुल अंक में से, माना 50 अंक में से, 50 अंक में से 25 अंक आने की संभावना ज्ञात कीजिए। बच्चा तो एक ही है, एक ही बार पास या फेल होगा, तो उसके अंक 25 आए या 50 में से 50 आए या 50 में से 0 आए। अब इसमें हम जो कुल अंक है, माना पेपर 50 अंक का है, तो 50 में हम क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे कुल परिणाम में। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 + 1, यानी बट्टे में क्या आएगा? 101। यहाँ पर देखो, एक सवाल दिया है 50 में से 25 अंक आने की संभावना, तो 25 अंक एक ही बार आएगा, तो अवलोकन 1 हुआ, 25 अंक आने की संभावना 1 हुई, लेकिन कुल अवलोकन में 1 जुड़ जाएगा, यानी 1/51 हो जाएगा। इसी तरह से 50 में से अगर 100 मार्क आ जाए, वैसे तो संभव है नहीं, इसके लिए उसके लिए क्या आएगा? 0/50 + 1, यानी 0/51 = 0। इस प्रकार के सवाल आएंगे। एक चीज़ इसमें और आती है कि संभावना के लिए जो मोस्ट आईएमपी चीज़ है, कोई भी घटना की संभावना 0 या 0 से बड़ी 1 तक होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, ना 1 से बड़ी और न ही ऋण भी नहीं होगी, और बड़ी 1 से भी संभव नहीं होगी। इसी प्रकार के सवाल आएंगे। इस पूरे को आप चार्ट को समझ लीजिए, और कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन करो। ये संभावना का चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ। भोले बाबा की जय। नमस्ते।